हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू NST क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बारे में और ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। फर्स्ट पॉइंट है, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस वी नीड द डिफरेंट वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस अदर देन लैटिट्यूड्स। दीज लाइंस रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। किसी स्थान की लोकेशन को जानने के लिए हमें अक्षांशों के अलावा विभिन्न वर्टिकल काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं, जिन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। द डिस्टेंसेस बिटवीन द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड अंतर को हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मापते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल्स होते हैं, मतलब आधे सर्कल्स, और उनके बीच की दूरी पोल्स की ओर जाते हुए कम होती जाती है। इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और पोल्स में जहाँ सारे मेरिडियंस मिलते हैं वहाँ पर इनके बीच की दूरी ज़ीरो हो जाती है। यह देखिए, ये लॉन्गिट्यूड्स दिखाए गए हैं। लॉन्गिट्यूड्स आधे सर्कल होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं। इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी पोल्स की ओर जाते हुए कम होती जाती है, और पोल्स पर इनके बीच की दूरी ज़ीरो हो जाती है जहाँ सारे मेरिडियंस मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। द काउंट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बिगेंस फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। दिस मेरिडियन is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. Latitudes globe पर पूरा circles होते हैं। Equator सबसे बड़ा circle होता है और globe को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। Poles की ओर जाते हुए ये circles छोटे होते जाते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स जिन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है वह एक साइज के यानी इक्वल लेंथ के होते हैं। जो मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरती है और जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है वहां से हम लॉन्गिट्यूड्स को गिनना शुरू करते हैं। इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है और इससे हम 180 डिग्री ईस्ट की ओर और साथ ही 180 डिग्री वेस्ट की ओर गिनती करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन धरती को टू इक्वल हाफ्स में बांटती है, जिसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज़ फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट
एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। ईस्ट लॉन्गिट्यूड के स्थान को हम लेटर ई से दर्शाते हैं और वेस्ट लॉन्गिट्यूड के स्थान को हम लेटर डब्ल्यू से दर्शाते हैं। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस एक ही लाइन पर होते हैं। यह देखिए, ये बीच की लाइन ग्रीनविच की लाइन है। इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यह लाइन ग्लोब को दो बराबर आधे हिस्सों में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस लाइन से हम 180 डिग्री ईस्ट की ओर और साथ ही 180 डिग्री वेस्ट की ओर गिनती करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, वी कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी ईजली बाई यूजिंग द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के ग्रिड यानी कि जाल को इस्तेमाल करके ग्लोब पर किसी भी स्थान को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, वहां कोई स्थान यानी प्लेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर, डैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। असम में धुबरी 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की लाइंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, वह धुबरी की लोकेशन होगी। देखिए, ये ग्रिड दिखाया गया है। ये किसका ग्रिड है? ये ग्लोब पर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का ग्रिड है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड लाइंस को पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड लाइंस को मेरिडियंस कहा जाता है। अब धुबरी देखते हैं कहाँ है। देखिए, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की हॉरिजॉन्टल लाइन है। हम ईस्ट में देखेंगे क्योंकि इंडिया ईस्ट में है। ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन से थोड़ा सा ऊपर 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन होगी और ये 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की लाइन है। तो जिस पॉइंट पर 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, वहां धुबरी होगा। हम कह सकते हैं कि धुबरी की लोकेशन इस पॉइंट पर होगी। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में। पूरे विश्व में सूरज सबसे अच्छा समय बताने वाला होता है। लोकल टाइम को सूरज द्वारा डाली गई छाया से समझा जाता है। सुबह की छाया सबसे लंबी होती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, छाया छोटी होती जाती है। दोपहर को सबसे छोटी हो जाती है। जैसे ही समय आगे बढ़ता है, छाया लंबी होती जाती है और शाम यानी सनसेट में छाया फिर से सबसे लंबी हो जाती है। देखिए, जब सुबह सूरज उदय होता है, सूरज की रोशनी पेड़ों पर पड़ती है तो पेड़ों की छाया सबसे लंबी होती है। वैसे ही शाम को जब सूरज डूबता है तब भी पेड़ों की छाया सबसे लंबी होती है और दोपहर को जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो पेड़ों की छाया सबसे छोटी बनती है। जब आसमान में प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच पर सूरज सबसे ऊंचे पॉइंट पर होता है, यानी वहां पर जब दोपहर होगी तो उस मेरिडियन की सभी जगहों पर दोपहर होगी और लोकल टाइम भी सेम होगा, यानी सभी जगहों पर दोपहर के 12 बजे होंगे। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time
एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। जो स्थान ग्रीनविच के ईस्ट में होंगे उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, और जो स्थान ग्रीनविच के वेस्ट में होंगे उनका समय ग्रीनविच के समय से पीछे होगा। अब समय आगे और पीछे तो होगा, लेकिन कितना आगे और कितना पीछे होगा, चलिए अब ये देखते हैं। धरती 24 घंटे में लगभग 360 डिग्री घूमती है, यानी एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब है एक घंटे में धरती 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में धरती 1 डिग्री घूमेगी। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनविच के ईस्ट का टाइम 15 × 4 = 60 मिनट्स, यानी एक घंटा ग्रीनविच के टाइम से आगे और वेस्ट का टाइम एक घंटा पीछे होता है। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो इसका मतलब है ईस्ट में दोपहर का 1 बजा होगा और वेस्ट में सुबह के 11 बजे होंगे। वैसे ही 180 डिग्री पर रात के 12 बजे होंगे, जबकि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे। ये देखिए, ये है टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड मैप में ये बीच की लाइन ग्रीनविच की लाइन है। ग्रीनविच के इस साइड जिसमें इंडिया भी आता है, ये ईस्ट है और ये साइड वेस्ट है। ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बजे होंगे तो ईस्ट में दोपहर का 1 बजेगा और वेस्ट में सुबह के 11 बजेंगे। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हम क्यों रखते हैं स्टैंडर्ड टाइम? जगहों का स्थानीय समय अलग अलग मेरिडियन पर अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, ट्रेन्स के लिए टाइम टेबल तैयार करने में बहुत मुश्किल आती है, जो अनेक लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करती है। उदाहरण के लिए, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश के कुछ सेंट्रल मेरिडियन के लोकल टाइम को देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम के रूप में अपनाया जाए। इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में माना जाता है। इस मेरिडियन पर जो लोकल टाइम होता है, उसे पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया गया है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के रूप में जाना जाता है। यह देखिए, यह जो बीच की लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। यानी भारत ग्रीनविच के ईस्ट 82 डिग्री 30 ईस्ट पर स्थित है, जो GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं, तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। कुछ देश एक महान देशांतर सीमा रखते हैं और इसलिए वे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। उदाहरण के लिए, रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। धरती 24 टाइम जोन्स में बटी हुई है। प्रत्येक जोन 1 घंटे का होता है। प्रत्येक जोन लॉन्गिट्यूड के 15 डिग्री कवर करता है। टेक द करेक्ट आंसर्स। ए, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। बी, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। फ्रिजिड जोन किसके पास स्थित है? द पोल्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका आंसर है द पोल्स। फ्रिजिड जोन पोल्स पर स्थित हैं। सी,
द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, लॉन्गिट्यूड्स टोटल कितने होते हैं? 360, 180, 90. लॉन्गिट्यूड्स टोटल 360 होते हैं, तो इसका आंसर होगा 360. डी, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर स्थित है? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इसका आंसर है द सदर्न हेमिस्फीयर. अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर पर स्थित है. ई, ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका जाल है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ग्रिड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का जाल होता है, तो इसका आंसर होगा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. फिल इन द ब्लैंक्स. ए, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री साउथ. बी, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सी, द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को और किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा प्राइम मेरिडियन. डी, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी किस ओर जाते हुए कम होती जाती है? लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी पोल्स की ओर जाते हुए कम होती जाती है, तो इसका आंसर होगा पोल्स. ई, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, द आर्कटिक सर्कल कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. अपने विचार कमेंट करके बताएं, और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. अगर कोई डाउट हो तो वह भी कमेंट करके पूछें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.